तो आज ब्लॉग के तौर पे ना मैं कुछ आपको यूनिक चीज़ दिखा रहा हूँ। पीछे तो देख रहे हैं क्रेटा, ऑलरेडी आप पहले से देख चुके हैं, पर मैं भी एक रनिंग थ्रू पे आ रहा था तो मुझे एक गजब चीज़ दिखा है कि क्रेटा का बेस मॉडल डीजल में कितना प्राइस पड़ेगा, ये तो मैं आपको बताऊँगा। क्या क्या इस सीरीज के थ्रू ना कंपनी के थ्रू ही चेंज हो जाएगा और एक बेस्ट पैमाने में ये एक टॉप मॉडल साबित होगा, वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहली बात ये है ब्लैक कलर। अब इसका और पूरा ओवरऑल डिटेल मैं बताता हूँ। सबसे पहले जैसे यहीं से अगर शुरुआत करूँ तो ये सामने का लुक हो गया। ये DRL है, दो सेट पे है और ये इंडिकेटर का सेटअप। ठीक वहीं पर अगर इंडिकेटर के सेटअप को अगर मैं हटा दूँ तो ये वाला भाग थोड़ा बेस मॉडल का हल्का सा लूज लग रहा है, बट आप बेफिक्र होके आप इत्मीनान से इसे एसेसरीज के तौर पर पुटअप कर सकते हैं। क्यों मैं इसलिए वर्ड बोल रहा हूँ, क्योंकि जैसे टॉप मॉडल के तरफ मैं जाऊँ तो टॉप मॉडल पे ये वाला चीज़ DRL फॉर्म पे दिया हुआ है, जिसके कारण जॉइनिंग के बाद ये गाड़ी बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम लगता है। एज इट इज़ इस बेस मॉडल में वो चीज़ें मिसिंग। तो आप सिंपल पैमाने में क्या करेगा कि आप शिफ्ट करके ये चीज़ लगवा लीजिएगा एसेसरीज़ के तौर पर। बाहर लगाएंगे तो शायद थोड़ा प्रॉब्लम इसलिए हो सकता है क्योंकि ये थोड़ा सा वाइट शाइनिंग है, तो उसके कंपेयर पर ये पता नहीं उतना ज़्यादा सेम मैचिंग कलर रहेगा कि नहीं, पर शोरूम पर ये चीज़ें ईजी से मिल जाएंगी। एयर इनलेट के लिए ये वाला भाग पूरी तरीके से खाली है, जो रेडिएटर को थोड़ा सा आसान बनाता है। वहीं पर ये और ये भाग थोड़ा सा ज़्यादा ब्लॉक में रखा गया। प्रोजेक्शन थोड़ा सा येलो है, वाइट लगा लो तो फ़ायदा ये हो जाता है कि इत्मीनान से आप जो प्रोजेक्शन है पूरा कॉम्बिनेशन में देख सकते हैं। नीचे बम्फर कुछ ऐसा है, कुछ इस प्रकार के कलर के साथ मिलेगा। ये कुछ प्लास्टिक का कवर और ये कुछ है, इस प्रकार की क्वालिटी मिल जाती है। ये ब्लैक है, ये थोड़ा सा ग्रेइश है। वहीं पर इस ब्लैक कलर का मैं इनपुट बता दिया था, तो साइड का मैं हल्का सा झलक ये भी बता देता हूँ कि Hyundai का जो प्रॉपर ओरिजिनल मिलता है व्हील कैप आपको इसमें मिल जाएगा। ये उभरे हुए मशीन कट के साथ ही, ऐसा नहीं कि कुछ स्पेशल क्रोम टच फिनिश लगाया गया है। 5 नट के मजबूती करंट से इसे रखा जाएगा और ये है इसका अंदर का रिम। वहीं पर अगर सेक्शन के बारे में बात करें तो अपोलो के टायर्स हैं, 205/65 R16 के कुछ इस प्रकार के आपको टायर ग्रिपिंग मिल जाते हैं, विच इज़ अ प्लस पॉइंट। बेस मॉडल है तो ऑफ कोर्स है थोड़ा सा गरीबी वाला, यहाँ पर आपके लिए प्रोवाइड कराए गए हैं बल्ब फॉर्म पे ही, बट द बेस्ट पार्ट इज सेम बॉडी कलर में आपको डोर्स मिल जाते हैं, थोड़ा सा प्रीमियम लगता है। ब्लैक है इसलिए क्या डिफरेंस वो भी बता देता हूँ। जैसे ये वाला भाग देख रहे होंगे ना, तो ये जो पूरा पॉइंट है ये दूसरे कलर पे है जो कि ब्लैक बॉडी कलर में नहीं है। बोलने का तात्पर्य ये कि अगर आप वाइट कलर लेते हैं तो ये नीचे वाला ब्लैक दिखेगा। डोर हैंडल सेम बॉडी कलर में प्रोवाइड कराए गए हैं। वहीं पर अंदर जाने के बाद मेन खेल चालू होता है, एंड दैट इज़ द MID स्क्रीन। चालू करने पर हाँ, पहले से ये समझ लीजिए कि स्क्रीन कौन सा, और सिंपल डिस्प्ले इन्होंने ऐसा बनाया है कि वो पूरा डिस्प्ले लगे, वो भी देख लीजिएगा। सिर्फ इसका जो बीच का पार्ट है ये एक प्रॉपर MID है। चालू करने पर देखिएगा ये जो साइड का भाग है उनको ऐसा फॉर्म पे रखा गया कि लगता है कि पूरी तरीके से एक गजब सा TFT डिस्प्ले पूरा MID स्क्रीन पे दिया हुआ है, बट ये एक सेंटर में आपको सिर्फ कंक्लूडिव पॉइंट मिलता है। वहीं पर जैसे मैं चेंज करूँ तो बटन्स राइट साइड प्रोवाइड कराए गए हैं, जिसके क्लिकिंग से कुछ इस प्रकार से हर चीज़ें चेंज हो जाएगी, जैसे करंट ट्रिप, ऑटो स्टॉप, सिंस लास्ट रीसेट में कितने किलोमीटर चले थे, वो सब इन्फॉर्मेशन बता देगा। और छोटी मोटी चीज़ें ऐसी भी, जैसे बूट ओपन हुआ है तो उसका भी इन्फॉर्मेशन इस डिस्प्ले पे आ जाता है। जैसे सामने वाला रेड दिख रहा है मतलब ये बूट ओपन है। कितने RPM पे गाड़ी चलेगी, कितने किलोमीटर पर आर पे गाड़ी चलती है, वो चीज़ें इसमें बता देगा। बेस मॉडल में ये चीज़ मिसिंग है, बट आप इत्मीनान से लगवा लीजिए, आपके लिए सफिशेंट ये एक डबल स्क्रीन का प्रॉपर फॉर्म हो जाएगा। नीचे AC के कंट्रोल्स 6-speed गेयरबॉक्स के साथ आता है। देखिए डीजल इंजन 116 PS का पावर और 250 Nm टॉर्क लगभग देता है, और इस 6-speed गेयरबॉक्स के साथ का फ़ायदा ये होता है कि आप ज़्यादा गियर पे गाड़ी रखते हैं तो लो RPM, मतलब इंजन पे ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा, और इंजन पे ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ा मतलब किसी भी हार पे माइलेज ऊपर आ सकता है, बस थोड़ा सा क्लच से दूर रहिएगा। सामने का डैशबोर्ड आप ऑलरेडी दूसरे रिव्यू में देख चुके हैं तो फिर भी एक बार बता देता हूँ, ये थोड़ा सा अलग फॉर्म पे है, ये ग्रे है, ये लाइट कलर है, थोड़ा सिल्वरिश, ये ब्लैक सेम एज इट इज़ यहाँ भी मिल जाता है। नीचे ग्रे है, ये थोड़ा सा वाइटिश पन है, और ये वाला ब्लैक में मिल जाता है ये वाला भाग, और ये कुछ सामान रखने के लिए चीज़ें दी हुई है। कंट्रोलिंग मिरर्स और मिरर्स में जो आपके अप एंड डाउन विंडोज़ हैं वो इसमें यहाँ पर मिल जाएगा देखने।
वहीं पर जैसे पीछे जाऊँ तो सेम बॉडी कलर डोर वाला जो फॉर्म है वो कुछ ऐसा डोर हैंडल मिल जाता है, और अंदर बैठने पर सामने का लुक कुछ ऐसा दिखेगा विच इज़ काइंड गुड आई गेस। बस वहाँ सामने डिस्प्ले लगा लीजिएगा और आपको सुकून ही सुकून मिल जाएगा, दैट इज़ फॉर श्योर। अब हेड स्पेस के बारे में बता देता हूँ। तो देखिए मैं 5'10" हूँ और 5'10" के हिसाब से सबसे प्यारा चीज़ दिमाग में ये रहता है कि हेड स्पेस कितना मिलेगा। तो एक बार थोड़ा सा वाइड एंगल में मैं उसको शिफ्ट करता हूँ, फिर आपको और भी चीज़ें दिखाता हूँ। तो जैसे वाइड एंगल में शिफ्ट करूँ, अब पूरी तरीके से ये आ रहा होगा कि मैं कितना दूर इस चीज़ से बैठा हूँ। तो यहाँ पर देखिएगा कुछ इतना हेड स्पेस मिल जा रहा है। और अगर नीचे के एरिया के बारे में बात करूँ तो थाई सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर कुछ कप होल्डर्स मिल जाते हैं, हाथ रखने के लिए एक सफिशिएंट जगह मिल जाता है, एंड दैट इज़ अ प्लस पॉइंट मुझे ऐसा लगता है। यहाँ पर कुछ लैम्प्स दिए हुए हैं पकड़ने के लिए ग्रिप, और साथ ही साथ कीमत के बारे में बता दूँ तो पेट्रोल मेरे सिटी में जा रहा है 12,65,000 आप समझ लीजिए, और वहीं पर डीजल चले जाता है 14,60,000। आपके सिटी में कितना जा रहा है वो ज़रूर बताइए ताकि थोड़ा कंक्लूजन क्लियर हो सके कि हर स्टेट के हर सिटी में कितने कितने कीमतों में चेंज मिल रहा है। पीछे एसी के वेंट्स दिए हुए हैं, कुछ सामान रखने के लिए जगह, और ऑफकोर्स आप अगर डेटा केबल रखते हैं तो थोड़ा बहुत इसमें लगा के आप यूज़ कर सकते हैं। एक छोटी सी और प्लस पॉइंट कि इसका जो एसी का वेंट है उसमें ये जो छोटा सा भाग सिल्वरिश देख रहे हैं ना, ये थोड़ा सा इसको प्रीमियम बना दे रहा है। अदरवाइज अगर पूरी तरीके से ब्लैक देते तो हाँ थोड़ा सा उदासपन ज़रूर लगता। फिर जैसे मैं बाहर निकलता हूँ, बाहर निकलने पे जैसे यहाँ पर देख रहे होंगे तो ऐसा लगेगा कि ये प्रॉपर सॉफ्ट टच बट अदरवाइज प्लास्टिक है। ऊपर थोड़े से ग्रेश फॉर्म है, नीचे स्पीकर्स के जो आउटर कवर है वो ऐसे दिए हुए हैं, और ये वाला जो बीच का भाग देख रहे हैं ये पूरी तरीके से ब्लैक है। अब ये चीज़ मैं दिखा दिया तो लास्ट आपको दिखाता हूँ। साइड से अगर कोई भी व्हीकल देखते हैं तो पुराने जो वर्जन की याद आती है तो वो है क्रेटा। क्रेटा का जो इसका जो पुराना वेरिएंट था वो भी ऐसे ही सेम डिज़ाइन से लगता था। साइड के कभी भी ग्लेंस में देखेंगे तो ऐसा लगता है कि ये पुराना ही टच है, बट मेन जो डिफरेंस आता है फ्रंट का और बैक लुक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें कि इसके बेस मॉडल से ही आपको जॉइनिंग बैक लैम्प्स मिलते हैं विच इज़ अ प्लस पॉइंट। अब क्या चीज़ इसमें मेन चतुराई रखा गया है, जैसे क्रेटा इधर लिखा हुआ है सिल्वरिश टच में, दैट इज़ अ प्लस पॉइंट। राइट साइड में बेस मॉडल से लेकर काफ़ी ऊपर मॉडल तक कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ आप टॉप मॉडल लेते हैं तो डायरेक्ट SX फॉर्म इसमें लिखा हुआ आ जाता है। वहीं पर जैसे इधर का मैं टॉप मॉडल दिखा रहा हूँ तो जैसे टॉप मॉडल में देख रहे होंगे तो ये रहा क्रेटा लिखा हुआ, और यहाँ पर लिखा हुआ SX। तो अगर आप प्रॉपर एक SX की बैजिंग लगवा लेते हैं तो प्लस पॉइंट ये हो जाता है कि इत्मीनान से टॉप मॉडल का टच देता है। पीछे एट लास्ट बम्फर के टचअप कुछ ऐसे हैं, थोड़ा वाइड एंगल में मैं दिखाऊं तो दिस इज़ हाउ इट्स लुक। सो दिस इज़ अ न्यू क्रेटा, एंड द प्लस पॉइंट इज कि इसका जो ह्यूंडई का मेन लोगो है वो ग्लास के अंदर रखा गया है, जैसे मैं अभी छू के बता रहा हूँ, तो इसी के कारण शायद इसका एक प्लस पॉइंट ज़्यादा बढ़ जाता है। तो कैसे लगा ये न्यू क्रेटा, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।